सुबह के 4 बजे आँख मलते मलते उठ गई। शरीर बहुत टायर्ड था क्योंकि कल हम लोगों को बहुत जर्नी हुआ था, लेकिन उठना तो था ही क्योंकि सूरज के पहली किरण के साथ श्रीखंड महादेव का दर्शन जो करना था। सूरज के पहली किरण के साथ श्रीखंड पिक का जो नज़ारा था वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। पूरा बर्फ से ढका हुआ पहाड़ और सूरज की पहली किरण उस पर जब गिरी, इतना खूबसूरत लग रहा था कि मानो यही जन्नत है। बहुत बहुत खूबसूरत नज़ारा था उस दिन सुबह का। और आज एक खास दिन भी था, आज था दशहरा। दशहरे की सुबह ऐसा खूबसूरत नज़ारा देख के मन भर गया। मैंने आपको मेरे पिछले एपिसोड में बताया था कि मैं आपको श्रीखंड महादेव के बारे में कुछ बताऊंगी। पौराणिक कहानी में कहा जाता है कि भस्मासुर बहुत सालों तक महादेव का तपस्या करके महादेव से एक वरदान मांगा था। उस वरदान में उसने मांगा था कि वो कोई भी जीव के ऊपर हाथ रखेगा तो वो तुरंत भस्म हो जाएगा। महादेव उसके तपस्या से खुश होकर उसको वो वरदान दिया था, लेकिन अहंकारी भस्मासुर उस वरदान को देवता के ऊपर ही प्रयोग करने का दुस्साहस कर लिया। वो स्वयं महादेव के ऊपर ही वो वरदान प्रयोग करने का कोशिश करता रहा। तब महादेव ने इसी श्रीखंड पर्वत के ऊपर आके एक पत्थर में खुद को समाहित कर लिया था और यहाँ पे कुछ दिन छुप के बैठे थे। तभी विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर से छलावा करके उसका खुद का हाथ उसी के सर पे रखवा दिया और वो भस्म हो गया। इसके बाद महादेव इसी पहाड़ी के चोटी पे शक्ति रूप में प्रकट हुए। जब महादेव यहाँ से जाने लगे तो यहाँ पे बहुत जोरों का एक धमाका हुआ और इसके बाद एक ही शिवलिंग आकार का बड़ा शिला यहाँ पे बच गया। इसके बाद से ही इसे ही शिवलिंग मानकर इसके बाद पूजा जाने लगा। इसके पास में और 2 बड़े चट्टान थे, उनको माता पार्वती और गणेश के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है यहीं पे भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी विराज करते हैं। लोग कहते हैं ये पर्वत जब पूरा बर्फ से ढक जाता है तभी भी श्रीखंड महादेव बर्फ से नहीं ढकते हैं। आप श्रीखंड महादेव के पास पहुंच भी सकते हैं। एक टफेस्ट ट्रेक है उनके पास पहुंचने का, वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेक इसे कहा जाता है, श्रीखंड पर्वत ट्रेक। और अगर आप ट्रेक करके महादेव के पास पहुंच नहीं सकते तो इस चारहान से आपको महादेव का बहुत अच्छा दर्शन मिलता है। हम लोग ट्रिक करके तो महादेव के पास पहुंच नहीं सकते, इसीलिए साराहान से उनका दर्शन करने आए हैं हम लोग। बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुआ है उनका। और भीमाकाली टेंपल तो मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया ही था, तो चलिए आज साराहान थोड़ा घूम लेते हैं। ये है कसंग गेस्ट हाउस, बहुत ही खूबसूरत एक गेस्ट हाउस है। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिपल शेयरिंग के लिए पर रूम के लिए 1000 रुपीज़ पे किया था। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और चलिए अभी एक रूम का टूर करवाते हैं इस गेस्ट हाउस का आप लोगों को। देखिए श्रीखंड पर्वत दिखाई दे रहा है और ये है हमारा रूम। बेड में बैठ के श्रीखंड पर्वत दिखाई दे रहा था सुबह। कल रात को लेट हो गया था आने में, इसलिए रूम का वीडियो नहीं दिखा पाई आप लोगों को, अभी दिखा दे रही हूँ। देखिए रूम काफ़ी अच्छा था। ये कसंग गेस्ट हाउस है, बहुत अच्छा रूम था। रूम से व्यू मतलब अनएक्सपेक्टेड। देखिए देखिए यहाँ श्रीखंड पर्वत दिखाई दे रहा है। हम लोग अभी जा रहे हैं किंग पैलेस। यहाँ पे एक साराहान का राजा का पैलेस है, वो टेम्प्रेरी क्लोज है, मतलब उसके अंदर जाने नहीं देता है, लेकिन बाहर से आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं और यहाँ से श्रीखंड का जो रेंज पूरा दिखाई दे रहा है, औसम औसम सच में साराहान बहुत ही खूबसूरत है। चलिए अभी किंग पैलेस देख लेते हैं। हम लोग जब किंग पैलेस की तरफ जा रहे थे अचानक मंदिर का घंटा बजने लगा। भीमाकाली मंदिर में पूजा शुरू हुआ। आप लोग महसूस कर सकते हैं इन पहाड़ियों के बीच में ये आवाज़ कितना खूबसूरत लग रहा था, एक अलग ही माहौल क्रिएट कर रहा था। बहुत बहुत अच्छा लगा साराहान। Oh, oh, oh.
साराहान किंग पैलेस बहुत ही खूबसूरत एक पैलेस है। यहाँ पे अंदर जाना तो अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर से भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा आपको ये पैलेस। लकड़ियों के ऊपर कारीगरी आपको साराहान में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। भीमाकाली टेंपल भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, और इस पैलेस में भी लकड़ियों के ऊपर कारीगरी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को देखने मिलेगा। पैलेस हम लोगों ने बाहर से ही घूम के देख लिया, चारों तरफ का नज़ारा भी पैलेस से काफ़ी खूबसूरत है। तो पैलेस देख के हम लोग अब रवाना देंगे हवा घर के लिए। तो चलिए पैलेस थोड़ा पूरा घूम के देख लेते हैं पहले। हवा घर किंग पैलेस से थोड़ा सा ही ऊपर आके आपको ये हवा घर मिलेगा। यहाँ से पूरा साराहान विलेज बहुत खूबसूरत दिखता है, और जो 360 डिग्री पहाड़ों का व्यू है साराहान का, वो बहुत अच्छे से दिखता है इस हवा घर से। तो ये हवा घर देख के हम लोग रवाना होंगे छिटकुल के लिए। तो चलिए हवा घर देख लेते हैं। साराहान को गेटवे ऑफ किन्नौर भी कहा जाता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, जब भी आप स्पीति ट्रिप करें साराहान में वन नाइट स्टे ज़रूर रखिएगा, क्योंकि डे ट्रिप में आप साराहान को अच्छे से देख नहीं पाएंगे। साराहान अच्छे से घूमने के लिए आपको वन नाइट स्टे यहाँ करना ज़रूरी है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी वन नाइट स्टे आप ज़रूर कीजिए साराहान में। देवभूमि किन्नौर में जिला प्रशासन आपका स्वागत करते हैं। किन्नौर द्वार, इसके बाद हम लोग किन्नौर ज़िले में एंटर कर जाएंगे। सुने हैं कि किन्नौर में सबसे खूबसूरत इंसान आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ का किन्नौरी लड़का और लड़की बहुत खूबसूरत होते हैं। तो चलिए हम लोग भी देखेंगे। रास्ते में पड़ा तारंडा माता का मंदिर। कहा जाता है जो भी इस रास्ते से गुजरता है वो मंदिर में माथा टेक के तभी आगे बढ़ता है। किन्नौर का रास्ता बहुत ही ख़राब है, पहाड़ी रास्ता है, बहुत डेंजरस रोड है ये, इसीलिए पहले बहुत एक्सीडेंट होता था। तो उसी एक्सीडेंट को रोकने के लिए गांव वाले ने ये मंदिर बनाया था। इसके बाद उन लोगों का मानना है कि अगर आप आगे जाते हैं तो इस मंदिर में माथा टेक के जाएंगे तो माता आपका रक्षा करेंगे। तो इसके बाद से ही ये रूल हो गया यहाँ पर, जो भी इस रास्ते से गुज़रता है वो माता का मंदिर में ज़रूर माथा टेक के तभी आगे बढ़ता है। तो हम लोग भी उतरे और माता का मंदिर में माथा टेक के उसके बाद आगे बढ़े।
करतरंडा माता का मंदिर क्रॉस करके आने के कुछ देर बाद ही आपको ये टनल दिखेगा। ये किन्नौर का एक आइकॉनिक टनल है। किसी भी ब्लॉग में या किसी भी वीडियो में आपने इस टनल को ज़रूर देखा होगा कोलपा के ब्लॉग में। ये वांगटू से तापरी होके करछम जाने के रास्ते में पड़ता है और ये जो रोड है वांगटू से तापरी होके करछम जाने का जो रोड है उसको सबसे डेंजरस रोड कहा जाता है इस किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। आप रास्ता देख के ही समझ सकते हैं कितना डेंजरस रोड है। एक गलत टर्न और बहुत बहुत बड़ा दुर्घटना घट सकता है, इसलिए यहाँ पे बहुत स्लोली, जब आप खुद ड्राइव करें तो बहुत स्लोली और बहुत केयरफुली ड्राइव कीजिएगा इस रास्ते में। इसके बाद रास्ते में हम लोगों को ये डैम दिखाई दिया। ये अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ऊपर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये डैम, तो इसलिए हम लोग गाड़ी से उतर के थोड़ा ये डैम देख के फिर आगे बढ़े। इसके बाद आया करछम डैम। बहुत सुना था इस डैम के बारे में। स्पीति जाने के रास्ते में ये खूबसूरत डैम आपको दिखाई देगा। इसका चारों तरफ का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। हम लोग भी थोड़ा उतरे यहाँ पे इस डैम में, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किए। यहाँ इतना हवा चल रहा था कि मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कैमरा भी ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा था, इतना तेज़ हवा चल रहा था। यहाँ खड़े रह के हम लोगों को मालूम पड़ रहा था कि आगे हम लोगों को कितना ठंडा मिलने वाला है। हम सभी को बहुत ज़ोरों से भूख लगा था, बहुत देर से हम लोग कुछ नहीं खाए थे, लेकिन रास्ते में कोई दुकान भी हम लोगों को नहीं मिल रहा था। बहुत दूर आने के बाद यहाँ पे एक ढाबा मिला, तो इसी ढाबे पे हम लोग खाने उतर गए। यहाँ पे थाली हम लोगों को मिला था, दाल चावल और अंडे की भुजिया था, 100 रुपीज़ करके लिया था, लेकिन इस टाइम में इतना भूख लग रहा था कि यही अमृत लग रहा था। यहाँ पे छोटे छोटे दो बच्चे थे, इसी गाँव के होंगे, आसपास के ही, बहुत ही प्यारे बच्चे थे। उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और इसके बाद हम लोग रवाना हो गए शांगला के लिए। तो आज का मेरा ये एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरा ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक कोई अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप नए हैं मेरे चैनल में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा ये स्पीति ट्रिप का सीरीज़ बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। इसके आगे और भी खूबसूरत नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो आप लोगों को वो एपिसोड अगर देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए मैं यहीं पे आप लोगों को गुड बाय बोलती हूं। फिर से मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।